तो दोस्तों कमांडो 3 को हो चुके हैं टोटल 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किए गए और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो कमांडो 3 फिल्म है उसने 3 दिनों में कितना कलेक्शन किया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर बात करें कमांडो 3 की तो आपको बताते चले सबसे पहले कि इस फिल्म का बजट जो था वो 35 करोड़ का था और साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदित्य दत्त ने। और अगर आपने नहीं देखा है कमांडो 3 तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि कमांडो 3 जो फिल्म है ये एक सोशल मैसेज देती है, साथ ही साथ भरपूर एक्शन से लेस फिल्म है। आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर अदा शर्मा और विद्युत जामवाल जो हैं वो मुख्य किरदार में थे और जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है वो भी काफ़ी शानदार आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है। तो चलिए बिना लेट किए बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जो फिल्म है उसने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे के दिन ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया था जो कि था 4,74,00,000 का। वहीं अगर बात करें कल के कलेक्शन की यानी कि सैटरडे की तो फिल्म का कल का कलेक्शन था 5,64,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों अगर बात करें आज के कलेक्शन की यानी कि हो गया डे 3 तो आज है संडे और संडे को फिल्म की जो टिकट ऑक्युपेंसीज आती हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रहती हैं और इसी वजह से आज फिल्म का कलेक्शन हो जाएगा 7 करोड़ का। जी हाँ, 7 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन है आज का फिल्म का। वहीं टोटल कलेक्शन 3 दिनों का अगर बात करें तो फिल्म का कलेक्शन हो चुका है 17,38,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 17,38,00,000 रुपीज़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड में अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है फिल्म का 3 दिनों का 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपीज़। तो ये था पूरा कलेक्शन फिल्म कमांडो 3 का। दोस्तों अगर आपने कमांडो 3 देख ली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी। वहीं रोज के बॉलीवुड के खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स। धन्यवाद आपका।